अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? आपका भाई बिल्कुल ठीक है। तो आज आपके भाई ने एक बहुत ही डिफरेंट तरीके के कबाब लाए हैं, चिकन के। ये बहुत ही अलग है, यूनिक है और ये डिलीशियस भी बहुत है। अगर आपको कोई लड़का पसंद हो, उसके घर वाले आपको पसंद नहीं कर रहे, तो आप उन्हें ये कबाब बना के खिलाए, वो आपके दीवाने हो जाएंगे। पता चला दूसरे दिन ही आपको निकाह करके लेके चले जाएंगे वो। पर मजाक के अलावा ये कबाब वाकई में डिलीशियस है। तो चलिए देखते हैं फिर ये कबाब बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम जो है बोनलेस चिकन ले लेंगे, ब्रेस्ट पीस, और उसको एकदम बारीक बारीक क्यूब में काट लेंगे हम। इसके बाद हम दो अंडे ले लेंगे, ये एक है पर दो ही लेना अंडे। उसके बाद हमने 4 टेबल स्पून जो है मैदा ले लिया है, आधा कप के करीब हमने प्रोसेस चीज़ ले लिया, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं। एक मुट्ठी हमने धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून के करीब हमने चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टीस्पून हमने वाइट पेपर लिया है, अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, ऑप्शनल है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है हमने, 3-4 हमने मिर्ची एकदम बारीक बारीक चॉप कर ली है, और 1 टेबल स्पून के करीब हमने लाल मिर्ची ली है, और 2 टेबल स्पून के करीब हमने मायोनीज ली है, और 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन लिया है। और लाल मिर्ची अगर आप कम लेना चाहें कम ले सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले चिकन में हमारे जो अंडे हैं वो डाल लेंगे। 2 अंडे लेना गाइस, क्योंकि 1 अंडे से जो है ये बराबर नहीं बनता है कबाब, बराबर नहीं बन पाएगी आपके, 2 अंडे से ही बराबर बनेंगे कबाब। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से आप अपना नमक ले लीजिए। फिर उसके बाद ग्रीन चिली जो है हम चॉप करी हुई वो ले लेंगे, इसे एकदम बारीक चॉप करके डालना गाइस, तो अच्छा लगेगा ये। उसके बाद ब्लैक पेपर डाल लेंगे, वाइट पेपर डाल लेंगे, चिली फ्लेक्स डाल लेंगे हम। ये जो चिली फ्लेक्स है ये तीखी मिर्ची की नहीं है, ये कश्मीरी मिर्ची जो होती है उसके चिली फ्लेक्स है। तो अगर आप तीखी मिर्ची की चिली फ्लेक्स ले रहे हो तो रेड चिली पाउडर आप मत डालिए फिर। और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का जो हमारा पेस्ट है वो मिला लेंगे। रेड चिली पाउडर डाल लेंगे, प्रोसेस चीज जो है वो डाल लेंगे, आप मोज़रेला लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो धनिया है वो हम डाल लेंगे चॉप करा हुआ, और फिर मायोनीज जो है 2 टेबल स्पून हम वो डाल लेंगे। फिर इसके बाद जो मैदा है हम वो मिला लेंगे इसमें, और फिर इन सबको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अब यह हम डोसा पैन ले लेंगे नॉनस्टिक, उसमें हम 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। अब यहाँ पे जो है हम कबाब का मिक्सचर हाथों से हम फ्राई पैन पे डाल लेंगे। अब हमारी अम्मी की पुरानी आदत है खतरों से खेलने की, इसी के लिए तो उन्होंने अब्बू से भी निकाह किया। बड़ा हरामी हो बेटा। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, बट जैसे कि हमारी अम्मी यहाँ पे हाथों से कर रहे हैं, आप हाथों से मत कीजिए, चटका लग सकता है, तेल लग सकता है हाथों पे, तो आप चम्मच से कीजिए। चम्मच पे आप तेल लगा के इसे चपटा कर लीजिए ताकि कबाब का मिक्सचर चम्मच पे चिटके ना। और ये कबाब जो है ये हमें भजिए की तरह ही डालना है, क्योंकि ये क्यूब्स में है, बोटी में है, पूरे कीमे नहीं है वो, इस वजह से हम जो है इसे भजिए की तरह डाल रहे हैं। उसके बाद हमें उसे चपटा करना है। ये देखिए यहाँ पे जब चम्मच से हमने करने की कोशिश की तो कबाब उस पर चिटक रहा था, तो आप तेल लगा लीजिए ताकि कबाब जो है आपका चिटके ना। अब यहाँ हम जो है हमारे कबाब पलट लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक की हमें फ्राई करना है कबाब्स को, और कबाब को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना गाइस, हाई फ्लेम पे मत करना वरना कबाब जल जाएंगे। अब हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, तो अब हम उसे निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। अभी अब यह हम डीप बना लेंगे, आप अपनी पसंद की डिप बना सकते हो। मुझे मस्टर्ड सॉस की डिप बहुत पसंद है, तो मैं मस्टर्ड सॉस की डिप बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो है 4 टेबलस्पून के करीब हम मायोनीज ले लेंगे,
अब हम इसमें अमेरिकन मस्टर्ड सॉस डाल लेंगे। ये मस्टर्ड सॉस फन फूड का है, ये आपको आपके कोई भी सुपरमार्केट पे मिल जाएगा। तो हम 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस डाल लेंगे। अगर आपको टमाटो केचप का बनाना है तो आप 4 टेबलस्पून मायोनीज और 2 टेबलस्पून आप टमाटो केचप डाल लीजिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डिप अब रेडी हो गया है। तो दोस्तों हमारी रेसिपी जो है बनके तैयार हो चुकी है, हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अलग कबाब है, यकीन मानिए बहुत डिलीशियस है। आप इसे एज ए स्टार्टर के तौर पे अपने मेहमान को सर्व कर सकते हैं और आप इसे अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, वो भी बहुत शौक से खाएंगे। बस इसमें जो मिर्ची वगैरह है वो थोड़ी कम कर लेना। तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे जो लाल बटन है प्लीज़ उसको दबा दीजिए, कर दीजिएगा इस सब्सक्राइब। और ये रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, बताइए उनको ये यूनिक सी रेसिपी, उनको बना के भी खिलाइए। तो फिर गाइस मिलते हैं अगले रेसिपी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।